इस रमजान जकात और फितरा देने के लिए जुड़े एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो कई सालों से शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा आवाम की मदद करता आ रहा है। एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ जुड़े और गरीब गुरबा आवाम का सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की अहम खबर पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि मक्का मस्जिद के पास से है। आज की खबर बताने से पहले सच न्यूज़ के सभी नाज़रीन को रमज़ान मुबारक की बेहद मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए, आज जो है रमज़ान का पहला दिन था और पहले दिन की पहली तरावी के खूबसूरत मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। शहर हैदराबाद की शाही मस्जिद मक्का मस्जिद के पास है, जहाँ पर तरावी अदा करने के लिए मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा हो गई थी। मक्का मस्जिद के अंदर से लेकर गेट तक जो है मुसल्लियों की तादाद देखी गई, तो बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत और रौनकदार मंजर था मक्का मस्जिद का। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि साउथ जोन डीसीपी भी जो है मक्का मस्जिद का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो आइए नज़ारे हम आपको दिखाते हैं मक्का मस्जिद के पास। सबको आदाब, सभी लोगों को रमज़ान का मुबारकबाद देता हूँ। इस आखिरी महीने में सारे रोजगारों के लिए सीपी साहब की जानिब से सारी अरेंजमेंट्स किया गया। ट्रैफिक मामले में ट्रैफिक पार्किंग प्लेसेस भी आइडेंटिफाई किया गया। साथ ही साथ सारी जितने बड़ी मस्जिद है सारी को हम लोग विजिट किया, जहाँ सीसीटीवी कैमरा का जरूरत है, और वॉलंटियर्स का ब्रीफिंग भी किया गया ताकि जनता को कम से कम तकलीफ हो और उन लोग का सारी नमाज कोई बिना इश्यू चले जाए। अभी आज से तरावी प्रेयर्स भी शुरू हो गया, उनके लिए भी हम लोग बंदोबस्त इंतजाम किया गया। फिर से सभी लोगों को पुलिस की तरफ से रमजान के मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। सहारा बने बेसहारों का, अल्लाह की रजा के लिए इस रमजान जकात और फितरा देने के लिए जुड़े एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो कई सालों से शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा आवाम की मदद करता आ रहा है। सहारा बने शहर की गरीब गुरबा आवाम का, एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो हजारों लोगों का कई सालों से पेट भरता आ रहा है। सवाबी जारिया के लिए ऑनलाइन पेमेंट या फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ जुड़े और गरीब गुरबा आवाम का सहारा बने।